कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में एक अच्छी खबर आ रही है। भारत में ही कोरोना वायरस की वैक्सीन का प्राणियों पर आरंभिक प्रयोग शुरू हो चुका है। परिणाम आने में 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है। इस वैक्सीन पर काम कर रहा है गुजरात स्थित दिग्गज समूह जाइडस कैडिला। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शर्विल पटेल ने कहा कि हम कोविड-19 की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, प्राणियों पर इसका ट्रायल शुरू किया है। ये समय लेने वाली प्रक्रिया होती है, हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जाइडस कैडिला ने ही 2010 में फैले स्वाइन फ्लू की भारत में सबसे पहली वैक्सीन तैयार की थी। मार्च से ही वैक्सीन पर काम चल रहा है। मार्च में ही कंपनी ने सूचना दी थी कि हम कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने का शोधकार कार्यक्रम शुरू किया। कंपनी सूत्रों ने बताया, मौजूदा हालात में संपूर्ण प्रक्रिया और इसका परिणाम आने में 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। प्राणियों पर टेस्ट के परिणाम के आधार पर शोधकर्ता आगे बढ़ेंगे। मलेरिया के इलाज में प्रभावी माने जाने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उत्पादन भारत में इप्का लेबोरेटरीज और जाइडस कैडिला कंपनी सबसे अधिक करती हैं। फार्मा जगत के जानकारों के अनुसार भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के कुछ उत्पादन में इन दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी 80% से भी अधिक है। जाइडस कैडिला प्रतिमाह 20 टन हाइड्रोक्लोरिक्विन दवा का उत्पादन करने में समर्थ है। भारत सरकार ने मंगलवार को हाइड्रोक्लोरिक्विन सहित 28 दवाइयों के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। समझा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये प्रतिबंध हटाने के संबंध में बात की थी, ताकि अमेरिका को पर्याप्त दवाइयाँ मिल सकें। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस के इलाज में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरिक्विन सबसे अधिक प्रभावशाली है। अमेरिका ने हाल ही में भारत से दवाइयों की आयातित दवाइयों के नियमों को नरम किया है। चीन में कोरोना वायरस और कोविड-19 प्रकोप के चलते भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चिंतित है। वजह है, बहुत सी कंपनी कच्चे माल के लिए चीन पर बहुत हद तक निर्भर हैं। हालांकि जाइडस कैडिला का इस बारे में मत अलग है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शर्विल पटेल कहते हैं कि जाइडस चीन पर बहुत खास निर्भर नहीं है। सामान्यतः हम 60 से 90 दिन की इन्वेंट्री के साथ चलते हैं। कोरोना वायरस के कारण हमारे लिए सप्लाई में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बतौर कंपनी हम पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। कोरोना प्रकोप पर काबू करने के लिए लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने दवा कंपनियों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने इस दवा की 10 करोड़ टैबलेट बनाने का ऑर्डर जाइडस और इप्का लेबोरेटरीज सरी की अग्रणी कंपनी को दिया है। ये जत्था 50 से 60 लाख कोरोना मरीज के इलाज के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जो अधिक उत्पादन है उसे अमेरिका सहित अन्य देशों में निर्यात किया जा सकता है। हम दोनों कंपनी बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर इस दवाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार है। वहीं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 5,383 हो गई है। बुधवार को इंदौर में 22 नए पॉजिटिव मामले मिले। इससे शहर में मरीजों की संख्या बढ़कर 173 हो गई है। कोरोना संकट के बीच भारतीय सेना ने 16 अप्रैल को होने वाली द्विवार्षिक कमांडर कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ा दी है।